हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने हमें बताया है कि उनकी ग्रैंडमदर कैसी थी और उनने अपना चाइल्डहुड उनके साथ कैसे बिताया और लास्ट में स्टोरी के एंड में उनकी डेथ कैसे होती है। तो सबसे पहले तो वो अपनी ग्रैंडमदर का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर की हाइट छोटी थी और उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो और बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। और उन्हें देख के हमारे ऑथर को ऐसा लगता है कि वो कभी भी सुंदर नहीं दिखती होंगी, पर फिर वो हमें ये बताते हैं कि भले वो सुंदर नहीं दिखती थी पर वो अपने हार्ट से बहुत सुंदर थी। उनकी ग्रैंड मदर पूरे टाइम प्रेयर करती रहती थी और उनके हाथ में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। फिर ऑथर उनके स्वभाव की सुंदरता को बताने के लिए एक लाइन कहते हैं जो है, शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। जिसे वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी सोल बहुत ही प्योर एंड सीक्रेट थी। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट भी लगा हुआ था जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन मतलब पगड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनकी बहुत बड़ी सफेद दाढ़ी भी थी। और ऑथर को उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनके विलेज में छोड़ दिया था और सेटल होने के लिए वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे। वहां पर विलेज में रोज उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह तैयार करती थी और स्कूल लेके जाती थी। सुबह तैयार करते वक्त ग्रैंड मदर हमेशा प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी और ये सोचती थी कि कभी ना कभी हमारे ऑथर उन्हें याद कर लेंगे, पर वो कभी भी उन्हें याद करने की कोशिश नहीं करते थे, बस वो उन्हें सुनते रहते थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता था उसे सुनना। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि सुबह स्कूल जाते टाइम उनकी ग्रैंड मदर उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी और कुछ येलो चॉक्स और उसके साथ एक इंक पॉट और एक रेड पेन दे देती थी। फिर ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुबह नाश्ते में स्टेल चपातीस दिया करती थी जिसपे बटर और शुगर लगा हुआ रहता था और स्कूल जाते टाइम वो कुछ और स्टेल चपाती स्कूल अपने साथ ले जाया करती थी विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा उनके साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि उनके स्कूल से अटैच्ड एक टेंपल था। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते थे तब उनकी ग्रैंड मदर टेंपल में बैठ के होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी जैसे कि गीता, और जब दोनों का काम खत्म हो जाता था तब वो दोनों अपने घर आ जाते थे। फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनके जब पेरेंट्स सिटी में सेटल हो जाते हैं तब वो उनकी ग्रैंड मदर और उन्हें सिटी में रहने के लिए बुला लेते थे और हमारे ऑथर इसे एक टर्निंग पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं अपनी ग्रैंड मदर और उनके बीच की फ्रेंडशिप का। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि भले ही अब सिटी में वो एक सेम रूम में ही रहते थे पर अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे वो भी एक बस में बैठकर, और अब उनकी ग्रैंड मदर उनको उनके स्कूल तक छोड़ने भी नहीं जाया करती थी और वहां पर सिटी में कोई डॉग्स भी नहीं होते थे जिन्हें ग्रैंड मदर चपातीस खिला सके, पर वहां पर डॉग्स को रिप्लेस कर दिया था स्पैरोज ने। फिर जब ऑथर अपने स्कूल से वापस आते हैं तब उनकी ग्रैंड मदर जब उनसे पूछती है कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है तब ऑथर उन्हें इंग्लिश वर्ड्स और साइंस के बारे में बताते हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अर्थ का गोल होना। ये बातें ग्रैंड मदर को बहुत दुखी कर देती थी क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं जानती थी और अब वो ऑथर को ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकती थी। साथ में वो इस बात से भी दुखी थी कि उनके स्कूल में भगवान और होली स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। और जब ऑथर ने उन्हें बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स उन्हें सिखाए जाते हैं तब तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूजिक और डांस जेंटलमैन के लिए नहीं होते हैं और वो उन्हें शोभा नहीं देते। इन सब चीजों से उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उनसे फिर बहुत कम बात करती थी। फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तब ऑथर को अपना एक कमरा दे दिया गया था। तब वो ये कहते हैं कि उनका जो आखिरी कॉमन लिंक था अपनी ग्रैंड मदर की साथ फ्रेंडशिप का वो टूट गया था क्योंकि अब वो अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा चुप रहने लगी थी और वो अपना स्पिनिंग व्हील बहुत कभी कभी ही छोड़ती थी और पूरे टाइम प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी। दिन के समय खुद को रिलैक्स करने के लिए वो स्पैरोस को खाना दिया करती थी। वो अपने वेरेंडा में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके बर्ड्स की तरफ फेंक देती थी और वहां पे बहुत सारी स्पैरोस जमा हो जाया करती थी। पूरे घर में स्पैरोस की आवाजें गूंजने लगती है और ऑथर उन्हें ये टाइम उनका हैप्पीएस्ट टाइम बताते हैं।
उसके बाद जब ऑथर की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो अपनी आगे की स्टडीज के लिए विदेश जाने की बात करते हैं, तब उन्हें पक्का पता होता है कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत उदास हो गई होंगी। वो वहां पे 5 साल तक पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें ये भी डाउट होता है कि कहीं उनकी ग्रैंड मदर इस टाइम पीरियड में कहीं मर ना जाए, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी थी अभी तक। पर जब ऑथर अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले होते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी उदास नहीं होती है और वो उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक भी जाती है, पर वो उनसे कोई बात नहीं करती है, वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स को ही रिसाइट करती रहती है। फिर ऑथर बताते हैं कि 5 साल बाद जब वो बाहर से पढ़ के वापस आ जाते हैं तब वो अपनी ग्रैंड मदर को अपने स्टेशन पर मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर 5 साल बाद भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती है और वो अभी भी कोई बात नहीं करती है, वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स ही रिसाइट करती है। और वो ये भी बताते हैं कि पहले जैसे ही उनके दिन का सबसे अच्छा समय वही होता था जब वो स्पैरोस को खाना खिलाया करती थी, उन्हें अपना घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है। पर उसी दिन शाम को वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर पहली बार प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपने नेबरहुड से कुछ वुमेन्स को बुलाया और एक पुराने ड्रम को बजाते हुए गाना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया। और ऑथर को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ही होगा जब उनकी ग्रैंड मदर प्रे नहीं कर रही थी। उसके अगले ही दिन सुबह उनकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हल्का फीवर है और ये चला जाएगा, पर उनकी ग्रैंड मदर कहती है कि उनका अंत बहुत ही करीब है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और वो अपने इस आखिरी समय में किसी से बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहती है और वो सिर्फ प्रे करना चाहती है। और वो जब पीसफुली अपने बेड पर लेटी हुई थी और प्रे कर रही थी तब एकदम से उनके लिप्स रुक जाते हैं और उनके हाथ से उनकी रुद्राक्षी माला गिर जाती है। तभी घर के लोग ये समझ जाते हैं कि अब वो नहीं रही। इसके बाद ऑथर उनकी फ्यूनरल का सीन डिस्क्राइब करते हैं जिनमें वो उनकी फ्यूनरल की सारी तैयारियां कर लेते हैं और शाम को वो उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाते हैं। और ये भी बताते हैं कि शाम को जब वो उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाने वाले थे तब हजारों स्पैरोज वहां पर आकर फ्लोर पर बैठ गई, पर वो पहली बार कोई आवाज नहीं कर रही थी। ऑथर की जो माँ होती है उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैंड मदर की तरह ही ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस स्पैरोस को दे देती है, पर स्पैरोस उन ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं देती है और चुपचाप बैठी रहती है। और जब वो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहां से ले जाते हैं तब सारी स्पैरोस चुपचाप चली जाती है और अगले दिन सुबह सारे ब्रेड के पीसेस स्वीपर वहां से हटा देता है। और ऐसे एंड होती है ये स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी।